बुढ़ापा में भी नस नस को टाइट रख सकता है इस कैप्सूल? क्या बुढ़ापा में भी जान डाल देगा इस कैप्सूल? क्या आपको थकान, कमजोरी, आलसपन, हाथ पैर में दर्द, सुनपन और झुनझुनाहट हो रहा है? ऐसा लगता है सारा दिन बिस्तर में पड़े रहूं, क्योंकि कहीं पे भी जाने का इच्छा नहीं होता, क्योंकि अंदर से ऐसा लगता है जान बचा ही नहीं है, क्योंकि उठने बैठने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चाहे आपका उम्र कितना भी हो, अगर आप 50 प्लस हो, 60 प्लस हो और 70 प्लस क्यों ना हो, आप चाहते हो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, आपको अभी बुढ़ापा आया ही नहीं तब भी आपका कमर में दर्द, घुटने में दर्द, गर्दन में दर्द, खाली दर्द दर्द से ही आप परेशान हो, जिसके मुख्य कारण आपका नसों का कमजोर होना, क्योंकि कुछ विटामिन्स और मिनरल्स का कमी के कारण ऐसा हो रहा है। हो सकता है आप बाहर का खाना खा रहे हो, चटपटी खाना खा रहे हो, बासी खाना खा रहे हो, ये सब खा के आप धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हो। तो आज इस वीडियो में ऐसा एक गोली के बारे में जान लीजिए जो आपका शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाता है वैसे वैसे हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। खास तौर पर 50 वर्षों उम्र का बाद शरीर में ज्यादा कमजोरी, थकान हो जाना, बीपी बढ़ जाना, शुगर हो जाना, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, यानी कई तरह का समस्याएं होने लगती है और आपका इम्यूनिटी पावर भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जिसके चलते आपको कुछ ना कुछ बीमारी से आपको लड़ना पड़ता है और इसमें आपको रिकवरी भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है, इसलिए आप जल्दी ठीक नहीं हो पाते हो, जो आगे जाके एक बड़ा बीमारी का संकेत है। तो इसीलिए आपको सावधान हो जाना है। तो आप जैसे तैसे करके आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर दूसरा दवाई का साथ साथ एक कैप्सूल देते हैं जो ना केवल मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल से भरपूर है बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंसेंग एवं ग्रेप सीड्स एक्सट्रैक्ट से भरपूर भी होता है और एक रिच न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे आपका शरीर का कमजोरी, आपका थकान, आपका इम्यूनिटी पावर और आपको नस को भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। साथ साथ आपका हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, आई हेल्थ को और ब्लड प्रेशर लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। और इस कैप्सूल का नाम है मैकटोटल कैप्सूल। जी हाँ, मैकटोटल कैप्सूल मैकलोड्स कंपनी द्वारा बनाया गया 10 कैप्सूल का कीमत है 199 रुपीस, जो कि हर केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। अगर ना मिले तो इस वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी घर बैठे और डिस्काउंटेड रेट पर मंगा सकते हो। आप पूछोगे इसमें क्या फायदा मिलेगा, कौन कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका यूज क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। इस दवा का उपयोग आमतौर पर खराब आहार, कुछ बीमारियों के कारण होने वाले विटामिन्स का कमी दूर करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर केस में 50 वर्ष उम्र का बाद ही शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्या चालू हो जाता है। कभी घुटने में दर्द, कभी जॉइंट में दर्द, कभी ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो जाता है, आपको अंदर से थकान महसूस होता है, आपको जनरल वीकनेस होता है, जिसके चलते चलने फिरने में भी आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। इसका ज्यादातर कारण है हमारा गलत खान पीन और हमारा शरीर चर्चा, डेली का जो लाइफस्टाइल है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फास्ट फूड और मसाला वाला खाने का चक्कर में आप पड़ के आप अपना शरीर को खराब कर देते हो। इस टाइप का खाने में ना कोई न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, उल्टा कभी कभी तो एक खाने के बाद आप बीमार भी पड़ जाते हैं। इसीलिए जो आपका शरीर में विटामिन और मिनरल्स का कमी हो जाता है उसके लिए इस टाइप का जो कैप्सूल है बहुत बढ़िया काम करता है। इस कैप्सूल आपको खाली शारीरिक नहीं, आपको मानसिक तौर पे भी बहुत स्ट्रांग बना देते हैं। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग फार्मासिस्ट कुंडली जी चैनल पे नए हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी आप पूछोगे ये मैकटोटल कैप्सूल का साइड इफेक्ट क्या है।
देखिए इस टाइप का कैप्सूल में ज्यादा साइड इफेक्ट नजर नहीं आता। सबसे खास बात है सबको साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ एक केस में कुछ साइड इफेक्ट देखा गया है जैसे कि उल्टी और नहीं तो मितली जैसा समस्या, किसी को पेट में दर्द हो जाता है और लूज मोशन भी हो सकता है, और किसी को एक खाने के बाद थोड़ा मेटालिक स्वाद आ सकता है। ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे और 1-2 सब्जी ज्यादा खाओगे। लेकिन अगर ये लेने के बाद आपको सर में दर्द चालू हो जाए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम असहजोश हो जाए और शरीर में चौकीता चौकीता यानी एलर्जी हो जाए तो आप इस कैप्सूल को लेना बंद करें और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आप पूछोगे इसका क्या डोज है, क्या ये पानी का साथ ले और नहीं तो दूध का साथ ले, कैसे ले खाली पेट में और नहीं तो खाने का बाद। ये जो कैप्सूल है जिसका उम्र 16 से लेकर 50 साल का बीच में है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वो रोजाना सुबह नाश्ता का 20 से 30 मिनट बाद और नहीं तो लंच का 20 से 30 मिनट बाद एक ग्लास पानी के साथ एक कैप्सूल लेंगे। अगर जिसको हार्ट शुगर और बीपी का प्रॉब्लम है तो कृपया करके वो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो आप बोलोगे इतना बढ़िया कैप्सूल है तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिंको बिलोबा, जिंसेंग, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन K और विटामिन E भी इसमें मिल जाता है। ये छोड़ के जैसे जिंक, कैल्शियम और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी इसमें मिल जाएगा। आप पूछोगे इस कैप्सूल लेने का हमें क्या क्या सावधानियां बरतना पड़ेगा? जो लोग ऑलरेडी किडनी, लीवर और हार्ट का क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित है कृपया करके वो लेने का पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेशन मदर है वो भी लेने का पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप छोटा बच्चे को इस कैप्सूल को ना दें और आपका घर में अगर पालतू जानवर है तो उसको इस कैप्सूल को दूरी बना के रखें। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ले रहे हो तो इस कैप्सूल और एंटीबायोटिक का बीच में 2-3 घंटे का गैप रखें। अगर आप दूसरा कोई सप्लीमेंट ले रहे हो तब भी आप 2-3 घंटे का गैप रखें चले। कुछ लोग ये भी पूछते हैं जे हमें विटामिन सी का कमी है तो हमें क्या करना चाहिए, तो कृपया करके आप लिमसी टैबलेट ले सकते हो जो कि ये वीडियो देखने के बाद पूरा जानकारी मिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं जे हमारा आयरन का कमी है कौन सा सिरप ले, तो आप डेक्सोलिन सिरप ले सकते हो जो कि ये वीडियो देखने के बाद पूरा जानकारी मिल जाएगा। अभी कुछ लोग ये पूछते हैं क्या इस जो मैक्टोटल कैप्सूल है क्या हम खाली पेट में ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। आप कुछ खाने के बाद, खास करके सुबह नाश्ते के बाद और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लंच के बाद आप ले सकते हो। कुछ लोग ये भी पूछते हैं क्या इस कैप्सूल लेने का बाद हम भारी मशीनरी और नहीं तो गाड़ी चला सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप इस कैप्सूल लेने के बाद 1 घंटा खुद को ऑब्जर्वेशन में रखिए और देखे जो कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो आप अपना काम कर सकते हो। कुछ लोगों का मन में ये भी डाउट है क्या ये आदत बनाने वाला कैप्सूल तो नहीं है? नहीं, ये आदत बनाने वाला कैप्सूल नहीं है। आपको जितना दिन का जरूरत है उतना दिन लीजिए, अगर फर्दर लेना पड़े तो कुछ गैप देखे आप ले सकते। आशा करता हूं आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हो। कुछ लोगों को ये मन में डाउट है जे हमारा वजन वृद्धि नहीं हो रहा है, हम फटाफट वजन वृद्धि करना चाहते हैं, वेट गेन हम कैसे करें? प्लीज राइट हैंड वाला वीडियो देख लेना। कुछ लोग बोलते हैं जे हमारा दांत, खाज, खुजली से हम परेशान है, बार बार रिकरिंग हो रहा है, वापस आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? प्लीज लेफ्ट हैंड वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।